अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूँगा। हज करने के लिए लोगों का जो जत्था है वो हाजियों का सऊदी अरब पहुँचने लगा है, और एक जगह इंडियन लोग जो लगभग 250 के करीब एक पूरे फ्लाइट में बैठे हुए थे, पूरी फ्लाइट जो है उस देश में पहुँची, और उस देश से उन लोगों को तुरंत जो है रिटर्न कर दिया गया, उस देश में एंट्री नहीं मिली। क्या है रीज़न वो भी बताऊँगा। और एक इंडियन भाई ने अपने ही हमवतनी इंडियन को मारा पीटा और उसको मौत के घाट उतार दिया। और सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगे जो इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को शुरू से आगे तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे तो आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, आपके जो है कमेंट में या फिर जो है फेसबुक पर मैसेज वगैरह इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आपके कंसर्न जो है शेयर कर सकते हैं। वीडियो पूरा देख के फीडबैक आपका जरूर दिया कीजिए। वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से जो एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा, अब इंडियन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंडियन लोग, आपको मालूम है कि कुछ ऐसे देश है जहाँ पे इंडियन जो है बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। लगभग 59-60 देश थे, लेकिन अभी 5 देश जो है और उसमें बढ़ गए हैं जहाँ पे जाने के लिए इंडियन लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें जो है मालदीव है, मकाऊ है, थाईलैंड है, मॉरिशस है और कुक आइलैंड है। यहाँ पे जाने के लिए अब इंडियन लोगों को जो है वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मालूम है पहले से ही सबसे आसान जो है नेपाल और भूटान जाना होता है, वहाँ जाके लोग अनलिमिटेड रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो देश हैं जो मैंने आपको बताया हूँ, या फिर जो 59 या फिर 65 अब हो गए हैं, वो जो देश हैं वहाँ पर 30 दिनों से लेके 180 दिन, कोई कोई देश 30 दिनों के लिए फ्री एंट्री देता है, कोई 180 दिनों के लिए जो है फ्री एंट्री देता है। तो इंडियन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर वो लोग जो है विदेशों में घूमने जाना चाह रहे हैं, बहुत भर भर के लोग जाते हैं, तो इन सब देश का भी रुख कर सकते हैं। और एक अपडेट आपको शेयर करना चाहूँगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो लफड़ा चल रहा था, जो सीक लीव 300 लोगों ने ले लिया था, 300 जो सर्विस क्रू थे सीनियर उन लोगों ने लिया था, पहले आए 100 लोग, 200, 300 लोगों का न्यूज आ रहा है कि 300 लोगों ने जो है सीक लीव लिया था, और लगभग 25 लोगों को टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया उसके बाद से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, क्योंकि 100 से ज़्यादा फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई, और विदेश और डोमेस्टिक जो फ्लाइट करने वाले थे लोग वो परेशान रहे क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हुई, रिशेड्यूल हुई। तो इन्होंने जो है जिन लोगों ने ऐसा मतलब किया था सर्विस क्रू लोगों ने कि भाई सीख लीव, एक साथ सीख लीव ले लिए थे, बीमार पड़े हमको छुट्टी चाहिए, एक साथ लिए थे, तो इन्होंने एक साथ लगभग 25 लोगों को एयर इंडिया ने दे दिया टर्मिनेशन लेटर। लेकिन बाद में वो टर्मिनेशन लेटर उन्होंने वापस भी ले लिया, उनसे मीटिंग हुई, मात्र 10 घंटों के अंदर जो है उन लोगों ने जो सीनियर अथॉरिटीज़ थे आपस में मीटिंग करके ये फैसला लिया, और उन लोगों को वापसी जो है फिर से ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, और सब लोग फिर जो दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, और अब एयर इंडिया की जो फ़्लाइट हैं वो रेगुलर जो है सही तरीके से, सही टाइमिंग से अपने जो है वो चलना शुरू हो गए हैं। एक फ़्लाइट थी जिसमें लगभग 250 इंडियन लोग सवार थे, और वो इंडियन लोग जो है दुबई से उड़े, दुबई से एक चार्टेड फ़्लाइट जो थी वो उड़ी, और उसको जो है जाना था जमैका, जमैका में उसको रोक लिया गया, जाना था उसको निकारगुआ, जमैका में शायद हो सकता है वो वाया फ़्लाइट थी, तो जमैका में उसको रोका गया, और जमैका से ही उसको जो है उस फ़्लाइट को रोक के और वहीं से जो है रिटर्न कर दिया गया, ये बताते हुए कि इसमें जो है जो लोग हैं इनके पेपर्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, सब फुलफ़िल नहीं है, इनको जो है एंट्री नहीं मिल सकती है ना जमैका में और ना निकारगुआ में। तो इन लोगों को जो है वापिस कर दिया गया, मामला चला गया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास। उन्होंने जब छानबीन किया तो पता चला कि जो लोग भी उस फ्लाइट में थे, जो इंडियन थे, उनके पास जो है होटल बुकिंग भी थी, रिटर्न टिकट भी थी, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे, लेकिन इन लोगों ने खाली ऐसे ही जो है एक शक के ये पे कि इनके पेपर सही नहीं है, ये हो सकता है कि ये लोग जो है मानव तस्करी में ये हों, क्योंकि अभी 200 से ज़्यादा पैसेंजर इंडियन जिसमें सवार थे, एक फ़्लाइट को जो है रोका गया था विदेश में ही, और वो भी निकारगुआ जाने वाली थी, उसको भी जो है फ्रांस से जो है रिटर्न कर दिया गया था दुबई। तो यही शक ये लोगों ने जाहिर किया कि हो सकता है कि ये लोग भी जो है निकारगुआ जाएं या फिर वहाँ से अमेरिका, यूएस और कई और देशों में जो है इलीगल तरीके से एंट्री कर लें, इसके वजह से वो पूरी फ़्लाइट को जो है वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, सारे लोगों को जो है दुबई रिटर्न कर दिया गया। और पहला जो जत्था है हाजियों का, जितने भी लोग इस साल हज करने जा रहे हैं, उन लोगों का ग्रुप जो है अब सऊदी अरब के मदीना एयरपोर्ट पर पहुँचने लगा है, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री का कल के डेट में जो है लोग वहाँ पर सऊदी अरब में अराइव हुए हैं, पहुँचे, और उनका जो है काफ़ी स्वागत किया गया है। तो हज का सीज़न अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है, समझिए पहली जब फ़्लाइट वहाँ पहुँच गई तो सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। सऊदी अरब में जो गाड़ियों के इंश्योरेंस वगैरह होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी के स्पोक पर्सन ने ये कहा है कि जब से सऊदी अरब में औरतें गाड़ी चला रही हैं तब से जो है जो मतलब राइज है प्रॉफिट का वो बढ़ गया, यानी इनकी जो प्रॉफिट है इंश्योरेंस सेक्टर की प्रॉफिट वो बढ़ी हुई है। रीज़न ये बताएं कि औरतें जब से सऊदी अरब में गाड़ी चला रही हैं,
तो जब गाड़ियां जब इंश्योरेंस रहता है गाड़ियों पे, जब एक्सीडेंट नहीं होता है तो वो इंश्योरेंस जो क्लेम नहीं करते हैं। तो ऐसा मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि जब से औरतें गाड़ी चला रही हैं तो एक्सीडेंट गाड़ियों की कम हो रही है, इसके वजह से हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो इंश्योरेंस की जो कीमतें हैं वो भी ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कम करेंगे। वैसे आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब से औरतें वहाँ पर गाड़ियाँ चला रही हैं तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे कुछ एक्सीडेंट वगैरह शायद मतलब इसे मिल रहे हैं, लेकिन औरतें थोड़ा कंट्रोल में चला रही हैं, और सऊदी अरब के जो जेंट्स होते हैं जो वो गाड़ी चलाते हैं वो बहुत रफ चलाते हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइए। डोमेस्टिक वर्कर लोगों के लिए एक खबर है, मुसानद की तरफ से ये कन्फर्म किया गया है कि इंश्योरेंस जो है डोमेस्टिक वर्कर लोगों का, चाहे वो हाउसमेड वगैरह हो, हाउस ड्राइवर, हाउस बॉय वगैरह हो, जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हैं उनका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एकदम मैंडेटरी है, वो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए वकाला में जो है थोड़ा दिक्कत आ रहा है आपको मालूम है, क्योंकि वकाले के चार्जेस बढ़ गए हैं, 1500 से लेकर 1800 तक, कहीं कहीं 2000 रियाल तक लिया जा रहा है ये बता के कि इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद से उन लोगों का वकाला का चार्ज है, इसके लिए ये चार्ज बढ़ा है। मुसानद ने भी कंफर्म किया है कि अगर कोई ये चाहे कि हम बिना इंश्योरेंस के वकाला बनाए तो नहीं बनेगा, पहले ही उसी टाइम जो है हो जाता है, ताकि आगे चल के वो लोग जो है ऑप्शनल तौर पे ना ले लें, कर मन किया तो कराएं, इंश्योरेंस नहीं किया तो नहीं कराएं। तो वकाला बनने टाइम ही इंश्योरेंस जो है उन लोगों का किया जा रहा है। सऊदी अरब के 80 रीज़न ने एक इंडियन भाई ने एक अपने ही हम वतनी को बुरी तरह से पीटा, और पीट के उसको फिर ले आके कुएं में ढकेल दिया, और ये जुर्म उसने खुद कबूल किया, कबूल करके बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया हूँ, उसको मारा हूँ, मार के कुएं में बहा दिया हूँ, और उसमें जो है उसकी मौत हो गई, इतनी बुरी तरह से मारा। इस आदमी का नाम बताया जा रहा है जलालुद्दीन खान, और जिसको इन्हें मारा है उसका नाम है मोहम्मद नौशाद खान। नौशाद खान को इतना मारा इसने 80 रीज़न में कि मौत हो गई। मामला कुछ बहुत बड़ा नहीं था, बताया जा रहा है कि आपसी मतभेद का मामला था, और उस मतभेद में इतना मतलब आग बबूला हो गया एक इंसान की, अपने ही हमवतनी को एक विदेश की सरजमीन पे मार डाला। अब वहाँ से भागना नामुमकिन है, ये भाई साहब को मौत की सज़ा सुनाई गई है, निचली अदालत के द्वारा भी मामला ऊपरी अदालत में भी सेम बरकरार रखा गया है, तो ये भाई साहब को जो है अब मौत की सज़ा एकदम बरकरार है, बहुत जल्दी भाई साहब मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जुर्म जो है खुद कबूल कर लिया है। वीडियो के आखिर में बात करते हैं, सऊदी अरब के 80 रीजन में ही छापेमारी किया गया, कई जगह जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है कार्रवाई की गई, और कई छापेमारी में चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर खाद्य पदार्थों जहाँ बनते हैं उसके जो गोदान वगैरह हों वो हो, तो यहाँ पर लगभग जो है एक गोदान को जो है सील किया गया जिसमें 10 टन खाने पीने की चीज़ें थी, और जो खाली एक रीज़न यही बताया गया कि ये जो चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पर उसमें जो है साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था, बिना साफ सफाई के ऐसे ही उन सब चीज़ों को रखा गया था, इसके वजह से 10 टन जो खाने की जो चीज़ें थी उसको जो है जब्त कर लिया गया। तो ये सऊदी अरब में वहाँ पे जो है हर रीज़न में जो है रेस्टोरेंट और खाने पीने की चीज़ों पे जो है जो मीशो कॉमर्स है उसके लोग जो है वो छानबीन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रैंडमली कहीं भी छापा मार देंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे साफ़ सफाई हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होती है। ये चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।